नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अंदर स्टाफ नर्स की निकली हुई वैकेंसी के बारे में, साथ ही चर्चा करेंगे फॉर्म किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं, कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या फॉर्म फीस रहेगी, उन सभी के बारे में। तो वीडियो शुरू से एंड तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पोजिशन से मिनिमम क्वालिफिकेशन या वैकेंसीज के बारे में। तो स्टाफ नर्स ट्रेनिंग की जो पोस्टें हैं, तो इसकी जो टोटल पोस्ट हैं वो है 99 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्वड के लिए 40 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 हैं, एससी के लिए 15, एसटी के लिए 7, ओबीसी के लिए 27 सीटें हैं। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो 12वीं पास होना चाहिए, साथ में ए ग्रेड नर्सिंग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट होना चाहिए जो 3 साल का है, और जो एक इंडिया की जो इंस्टीट्यूट है, रिकोगनाइज इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के द्वारा, उसके द्वारा ये होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड एंड पे के बारे में। तो कैंडिडेट विद ए ग्रेड रिकोगनाइज नर्सिंग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट है 3 साल का, वो क्या होना चाहिए, जैसे स्टाफ नर्स है उसके लिए, एंड आफ्टर सक्सेसफुली कम्प्लीमेशन ऑफ 1 ईयर ट्रेनिंग, यहाँ पर वहाँ पर जो 1 ईयर की ट्रेनिंग आपको करवा दी जाएगी तो आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसके बाद चर्चा करते हैं इसकी पे स्केल क्या रहनी है। ग्रेड सी उसके लिए रुपये रहेंगे आपके 31,852 पर मंथ। और अब चर्चा करते हैं इसकी मिनिमम अपर एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम जो एज है वो 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और जिसकी एज की जो गणना है अपर एज लिमिट की, वो है 30 साल या 30 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। 27/6/2019 इसकी जो स्टार्ट डेट है उससे पहले। और जो ऑनलाइन अप्लीकेशन है वो ऑफलाइन आपको अप्लाई भेजनी पड़ेगी, उसके लिए हम आपकी आगे वीडियो में चर्चा करेंगे। अपर एज लिमिट में छूट की अगर बात की जाए तो 5 साल की छूट मिलेगी एससी एसटी कैंडिडेट्स को, 3 साल की छूट मिलेगी ओबीसी के कैंडिडेट्स को जिसमें नॉन क्रीमी लेयर की हैं। इसके अलावा जो अन्य एज लिमिट है वो आप देख सकते हैं। इसकी पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, साथ में इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन ऑफिशियल साइट की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से भी ये डाउनलोड कर सकते हैं। अब सिलेक्शन प्रोसेस की है वो आप चेक कर सकते हैं, आपका जो रिटर्न एग्ज़ाम होगा, तो रिटर्न एग्ज़ाम में बात की जाए तो 100 मैक्सिमम जो मार्क्स है यानी 100 नंबर का आपका पेपर होगा, जिसमें कैटेगरी वाइज नंबर भी लाने आपको ज़रूरी हैं। जैसे अनरिजर्व ओबीसी या ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 50 नंबर लाने ज़रूरी हैं, अगर 50 नंबर से कम लाते तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ओबीसी नॉन क्रिमिनल लेयर के लिए 45 मार्क्स, एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 40 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं 100 में से। बाद हम चर्चा करते हैं हाउ टू अप्लाई, यानी किस प्रकार अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो कैंडिडेट्स हैं जैसे ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल लेयर, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, उनका जो सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज है सर्टिफिकेट की, जो कंपोटेड अथॉरिटी के द्वारा इशू किए जाते हैं, वो ज़रूरी हैं। ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट है यानी जाति प्रमाण पत्र ज़रूरी है। और इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं बिलोंग करते हैं एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन एंड डिपार्टमेंटल कैटेगरीज हैं, उनके लिए जो एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी वो नॉन रिफंडेबल रहेगी, यानी आपको किसी हालत में पैसे वापस नहीं मिलेंगे, और 200 रुपये का आपको जो बैंक ड्राफ्ट है वो बनाकर साथ में जमा करवाना पड़ेगा। जो नेशनल रजिस्ट बैंक इन फेवर ऑफ वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पेबल एट नागपुर के नाम से बनेगा। उसके बाद एप्लीकेशन है वो आपको ऑफलाइन फिलअप करके भेजनी पड़ेगी, इसका जो परफॉर्मा बना हुआ है ऑफलाइन का वो आगे हम वीडियो में दिखाएंगे। तो उसके साथ जो डॉक्यूमेंट साथ में लगाए जाएंगे उसमें देख लेते हैं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ मैट्रिकुलेशन, एसएससी, हाई स्कूल और इक्विलेट एंड 10+2, यानी 10वीं 12वीं और या इसके समकक्ष होती है 10+2 के, वो फोटोकॉपी उसके लगानी पड़ेगी। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ ए ग्रेड नर्सिंग डिप्लोमा या सर्टिफिकेट एंड वैलिड रजिस्ट्रेशन इन नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया INC के अंदर रजिस्ट्रेशन है वो भी लगाना पड़ेगा। 4 पासपोर्ट साइज रिसेंट फोटोग्राफ यानी हाल ही में खिंचवाई गई 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगानी पड़ेंगी। डिमांड ड्राफ्ट लगवाना पड़ेगा 200 रुपये का। सेल्फ अटेस्टेड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट लगवाना पड़ेगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट अगर है तो सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ वैलिड डोमिकल सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, यानी जो कैंडिडेट्स का जो डोमिकल होता है यानी मूल निवास है वो भी लगवाना पड़ेगा। कैंडिडेट्स वो आर डिफरेंटली एबल, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो उनका सर्टिफिकेट बना हुआ है वो भी लगवाना पड़ेगा आपको। उसके बाद इनकम्प्लीट अप्लीकेशन और अप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर द ड्यू डेट और विदाउट सिग्नेचर वो आपकी निरस्त कर दी जाएगी, यानी एक तो आपका अपूर्ण फॉर्म भरा हुआ है या उस पर साइन नहीं किए हुए या लास्ट डेट के बाद पहुंचता है तो वो निरस्त कर दिया जाएगा।
अब अप्लीकेशन सबमिशन आपको किस प्रकार करना है, पूर्ण रूप से आपको फॉर्म फिलअप करके सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के आपको भेजना पड़ेगा। तो ये एड्रेस है द जनरल मैनेजर PIRWCL कोल स्टेट सिविल लाइंस नागपुर, ये इसके पिन कोड हैं। और उसके लिफाफे पर जरूर लिखना पड़ेगा अप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ नर्स ट्रेनिंग इन WCL, ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा। और ये आपको भेजना पड़ेगा रजिस्ट्रेड डाक या स्पीड पोस्ट के द्वारा। इसकी जो लास्ट डेट है 17/7/2019, उसके बाद अगर ये भेजते हो तो आपका किसी प्रकार वो मान्य नहीं होगा। इसका मेलिंग एड्रेस है वो भी चेक कर सकते हैं। अब इसकी अपॉइंटेड डेट की बात करते हैं तो स्टार्ट डेट है इसकी वो हो चुकी है 27/6/2019 से, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ अप्लीकेशन की वो रहेगी 17/7/2019 5 बजे तक, यानी आपको ऑफलाइन ये फॉर्म भेजना पड़ेगा। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटर्न टेस्ट यानी जो संभावित इसकी परीक्षा तिथि है वो जल्द ही वो जो एडमिट कार्ड आएंगे वो इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको भेज दिए जाएंगे स्पीड पोस्ट के द्वारा। और इसका जो रिजल्ट है जो होगा वो इसके ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा वो अगर किसी प्रकार के आपको हेल्प चाहिए, क्लेरिफिकेशन चाहिए, तो इसके जो ऑफिस हाउस हैं यहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। ये इनके लैंडलाइन नंबर दिए गए हैं और ये इसकी ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर भी संपर्क कर सकते हैं। अब इसका परफॉर्मा जो बना हुआ है वो दिखा देते हैं। ये इसका वेस्टर्न कॉलफील्ड लिमिटेड का परफॉर्मा बना हुआ है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करके और इसको पूर्ण रूप से फिलअप करके साथ में जो जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं उनकी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड इसमें लगानी पड़ेगी और जो एड्रेस ऊपर दिखाया उस पर भेज देना है। ये आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं ये फॉर्म बना हुआ है। तो ये फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल पर जो रुलानिया क्लासेस नाम से बना उस पर भी मिल जाएगा और इसकी ऑफिशियल साइट की जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो आप वहाँ से भी डाउनलोड इसको कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतनी ही बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए और इसी प्रकार की और वीडियोज़ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।